वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो जो नए दोस्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, और उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुँचे और उन्हें अच्छी अच्छी मालूम हासिल हों। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज फिर रिंगनेक का टॉपिक है, पेयर नंबर 1 है। माशाल्लाह से इसके आपने सारे डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किए, और सारे इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस अपनी पुरानी वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर की है। तो माशाल्लाह से अभी मई का महीना लगा हुआ है, तो आप देख रहे होंगे ये फीमेल को, इसने ये माशाल्लाह से दिखाता हूँ आपको, देखने फिर ब्रीड इसने स्टार्ट कर दी है। तो यही आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि ये मई के महीने तक इनका जो मई होता है वहाँ तक इनका, मई के महीने तक इनका जो सीज़न है ब्रीडिंग सीज़न वो रहता है, ठीक है ना। वो भी ये है कि जो अच्छे पेयर हैं वो मई तक ब्रीड करते हैं, अदरवाइज मार्च तक एंड होता है, मार्च या अप्रैल तक। अप्रैल में लास्ट जो होता है ना इनका जो क्रचा आ जाता है आम तौर पर जो होता है, जो अच्छे पेयर हैं वो तकरीबन मई तक। ये आप इसकी झोल देख रहे हैं, देख रहे हैं ये इसने 10 मई को जो पहला एग वो ले किया है, तो दूसरा अब 11 और 12 को जाकर इसका नेक्स्ट एग आएगा। ये देखें आप फीमेल को देख रहे हैं, बैक साइड पे सोलन है, सूजी हुई जगह ये देख रहे हैं, क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है। ये देखें आपको मैं अगर दिखा सकूँ तो, और ये अब इंशाल्लाह कल इसका नेक्स्ट एग ये लेकर देगी। अब गर्मी भी बहुत है, तो अभी मुझे ये है कि इसका अरेंज करना पड़ेगा एयर कूलर, तो वो लगाना है, अदरवाइज ये इसमें फीमेल का भी नुकसान है और जो चिक्स हैं वो निकलेंगे तो, लेकिन ये है कि उनकी डेथ भी हो सकती है, डेड इन शेल भी हो सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो सर्दियों में ये ठीक रहते हैं, लेकिन ये है कि अब मुझे एयर कूलर वगैरह या इसका कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी मैं शावरिंग कर रहा हूँ दोपहर को, एक दो दफ़ा कम अज़ कम शावर इन्हें देता हूँ, तो बेहतर ये है कि इसके लिए एयर कूलर लगा लूँ। तो जैसे कि ये दाना वही चल रहा है, ये आम वगैरह कच्चे आम वो इन्हें डाल रहा हूँ आजकल, तो बेहतर तो यही है कि मैं एयर कूलर लगा रहा हूँ, अदरवाइज़ ये है कि ये नुकसान होने का ख़दशा है। तो आपने भी ऐसे करना, अगर आपके किसी पेयर ने एग ले कर दी तो आप उनके लिए एयर कूलर लगा लें, अगर गर्मियाँ हैं। जैसे कि अब मई का महीना है तो अभी इसी में टेंशन में भी आ रही है, इनसे ब्रीड लेनी नहीं थी, बॉक्स मेरे पूरा साल लग ही रहते हैं, मैं नहीं रिमूव करते, जैसे ऑफ सीजन आते ये बॉक्स को छोड़ देते हैं ऑटोमेटिक ही। तो इंशाल्लाह मैं इनके लिए एयर कूलर का अरेंज करता हूँ। ये जैसे कि ये देख रहे हैं पीछे से इसकी झोल, झोल कहते हैं पंजाबी में, सोलन होती है, सूजी हुई जगह होती है, ये इसकी निशानी होती है फीमेल की कि एग ले करने वाली है। तो उम्मीद है कि दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और एक बार फिर रिक्वेस्ट है जिन्होंने दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें, और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में बहुत ज़्यादा हाजिर हूँगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।